हेलो गाइज, मैं हूँ शिवम बारो। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने नहीं देखा तो देख लो जाकर के। और दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखना, इसके बाद में आपको मिल जाएंगे नोट्स। कैसे मिलेंगे वो मैं वीडियो के किसी भी पार्ट में यानी बीच में कहीं भी बता दूंगा, तो आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो भी चीज़ें पता चल जाएंगी। आज हम पढ़ेंगे अधिकारों के बारे में और अधिकार हमें कितने टाइप के मिलते हैं और कौन कौन से ऐसे अधिकार जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो हम उन अधिकारों के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर के दौरान। इस चैप्टर के दौरान आप दोस्तों क्या क्या सीख पाएंगे, इस चैप्टर के पढ़ने के दौरान आप कुल 4 बातें बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, कौन कौन से अधिकार हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, मौलिक अधिकारों की क्या भूमिका है, वो किस तरीके से हमारे पास होते हैं। तो यानी कि मौलिक अधिकार से रिलेटेड आप सारी बातें सीख जाएंगे। फिर आप ये सीख जाएंगे कि संविधान या जो जो हमारी न्यायपालिका है वो कैसे किसी के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। बहुत ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि अगर किसी का मौलिक अधिकार गायब हो रहा हो, मान लो आपको ही कोई मार पीट रहा है बेवजह, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कार्य करा सकते हैं। चलो, ये तो बात रही किसी एक व्यक्ति की जिसने आपके साथ में झगड़ा किया। अगर कोई सरकार का अंग, कानून का अंग, यानी कि कोई पुलिस वाला या फिर कोई आपसे, आप पुलिस वाले को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी कोई ऐसे होते हैं या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कानूनन आपसे जो है किसी कानून के अहदे पर है, यानी कि वो कोई एक अधिकारी और आपसे कोई गलत तरीके की सिफारिश करता है, मांग करता है या फिर आपका काम नहीं बनाता, आपके अधिकारों का हनन करता है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन होंगे वो भी हम इस चैप्टर में आज सीख जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, हम लोग अगली चीज़ ये सीखेंगे कि इन अधिकारों की रक्षा कौन करता है, कैसे करता है। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम सीखेंगे कि हमारे नीति निर्देशक तत्व तो क्या होते हैं। मौलिक अधिकारों के सिवाय कुछ तत्व होते हैं जो आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तो वो सारी बातें, यानी कि कुल मिलाकर के 4 बातें, कौन कौन सी, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, उनकी रक्षा कैसे की जाती है, न्यायपालिका इनमें क्या भूमिका निभाती है, और नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अधिकार हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। आप अगर अपनी बुक उठाएंगे क्लास 11th की और उसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, तो सबसे पहले आपको एक कहानी पढ़ने को मिलेगी। कहानी किसकी है, ठेकेदार की है, कि क्या होता है एशियाई गेमों के दौरान 1982 में कुछ मजदूरों को, ठेकेदारों को इकट्ठा किया जाता है, बुलाया जाता है, उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता है। काम हो गया उसके बाद में उनको मजदूरी भी नहीं दी जाती। अब आप बताओ, अगर आपसे कोई काम करा ले, मजदूरी ना दे, और चलो ठीक है, अगर आपने बहुत लड़ाई झगड़ा किया कि हमने तो भाई काम किया, हमको तो मजदूरी चाहिए, पैसे चाहिए, तो जो आपका ठेकेदार, आपका जो मालिक है, आपका जो ओनर है, जिसके अंडर में आप काम कर रहे हो, वो अगर आपको आपकी मेहनताना से कम पैसे दे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ उसने पूरा नहीं दिया, अगर आपने झगड़े किए, लड़ाई किए, उसके बावजूद भी आपने पैसे निकालने की कोशिश की, बात 500 की हुई थी आपको 200 रुपये मिल रहे हैं, बात 50,000 की हुई थी आपको सिर्फ 10,000 मिल रहे हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे? आपके अधिकारों का हनन हो गया ना यहाँ पे। आपकी जो नीड थी, जो आपकी पहले से क्या बोलते हैं ज़रूरत थी, जिस पर आपका पूरा हक था, वो चीज़ मारी गई। दूसरी कहानी दोस्तों आपके जो उसी बुक में लिखी हुई है, वो है मचल लालूंग की। मचल लालूंग एक 23 साल का नौजवान व्यक्ति है जो मड़ीगांव जिले की चुबरी नाम के गांव में रहता है। हुआ क्या कि जब वो 23 साल का था तो उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उस पर केस चलाया गया। केस चलाने के दौरान लोगों ने ये बताया, मतलब पुलिस ने या कुल मिलाकर के अदालत में ये साबित हो गया कि ये जो व्यक्ति है मानसिक तौर से बीमार है और उसको पहले इलाज मिलना चाहिए। इलाज के दौरान उसको इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है, वहाँ पर उसका इलाज चलता रहता है, वो ठीक भी हो जाता है। मान लिया कि वो पहले से बीमार था, अगर मानते हैं बीमार था, पहली बात तो बीमार नहीं था, लेकिन अगर वो बीमार था तो वो ठीक भी हो गया, क्योंकि अस्पताल का काम है उनको ठीक करना, डॉक्टरों ने उनको ठीक किया। उसके बाद डॉक्टरों ने कई बार चिट्ठी भेजी, कई बार बताया पुलिस वालों को कि भैया ये व्यक्ति ठीक हो गया, इसको ले जाओ, इसका केस चलाओ या करके। ध्यान से सुनो, वो 23 साल का आदमी अब हो गया है 77 साल का, लेकिन पुलिस ने उसको कभी हॉस्पिटल से निकाला ही नहीं। उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ हॉस्पिटल में बीत गई एक कैदी के रूप में, कि ये मानसिक तौर से बीमार कैदी है और इलाज चल रहा है। दोस्तों, 77 साल के इस व्यक्ति को जो कैद में बंद है, अभी भी जेल में, या फिर बोल सकते हैं हॉस्पिटल में, सिर्फ इसलिए बंद है क्योंकि वो मानसिक तौर से ठीक हो गया कि नहीं हुआ, इसकी पुलिस वालों ने कभी जाँच नहीं की 2005 में। तो मानवाधिकार टीम ने उसको वहाँ से निकाला, उसके ऊपर दोबारा केस चलाने की, वो जो केस चल रहा था उसको रफा दफा करने की कोशिश की, केस कैसे भी करके ख़त्म हुआ और मचल लालूंग को स्वतंत्र होने का मौका मिला। लेकिन आप ध्यान से देखो कि 23 साल का आदमी 77 साल में रिलीज हुआ,
23 साल के आदमी को सिर्फ अदालत में मानसिक तौर से बीमार घोषित करने के बाद में उसको हॉस्पिटल में अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी पड़ी। उसके बाद 77 साल का जब वो स्वतंत्र भी हो गया तो क्या हुआ? स्वतंत्रता के बाद वो क्या कर सकता है? उसकी पूरी ज़िंदगी हॉस्पिटल में बर्बाद हो गई। अब वो बाहर निकल करके क्या करेगा? आपने कई बार अगर बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी जिसमें पूरी ज़िंदगी में जो कैदी होते हैं वो जेल में बंद रहते हैं, जब वो रिहा होते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं। ज़्यादातर कैदियों के साथ में यही होता है। उसने भी आत्महत्या की होगी या नहीं की होगी चलो छोड़ो, लेकिन मचल लालू 54 साल तक जेल में बंद रहा, हॉस्पिटल में बंद रहा, क्या हुआ? उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इसी को कहते हैं उसका जो जीवन का अधिकार है, उसके जो जीने का अधिकार है वो छिन गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी ज़रूरत आन पड़ी कि ऐसा किसी और व्यक्ति के साथ में ना हो। इसके लिए अधिकार जो हैं वो घोषित होने चाहिए, सबको पता होने चाहिए। इसलिए ज़रूरी कि आपको अपने अधिकारों के बारे में पता हो। तो ये तो है छोटी सी कहानी जो अधिकारों से रिलेटेड है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान में कौन कौन से अधिकार मिले हुए। देखिए भारतीय संविधान में आपको 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के कौन कौन से मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, लेकिन ये मौलिक अधिकार क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इन पहले हम इनके बारे में समझ लेते हैं। 1928 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की समिति थी उन्होंने मौलिक अधिकारों की मांग की। उन्होंने बताया कि हमको मौलिक अधिकार चाहिए, और जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में हमारा संविधान बन रहा था तो इन मौलिक अधिकारों को बिना किसी बहस के संविधान में शामिल कर दिया गया, क्योंकि लोग जानते थे कि मौलिक अधिकारों के बिना एक आम नागरिक की जिंदगी जी पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जिनका कभी भी उल्लंघन नहीं किया जा सकता। उल्लंघन का मतलब ना सरकार उल्लंघन कर सकती है, ना ही तो जो कोई भी कानून का व्यक्ति, औहदे पर व्यक्ति, कोई अधिकारी, कोई भी आपके किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आपके घर वाले भी उन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। देखिए उल्लंघन शब्द मैंने यहाँ पर बोला है, इसका मतलब बहुत सारी चीज़ों से है। अगर आप जीने का अधिकार रखते हैं तो आपको कोई भी मार नहीं सकता। अगर आप पढ़ने का अधिकार रखते हैं तो आपसे कोई पढ़ाई नहीं छीन सकता, बशर्ते वो जोर जबरदस्ती ना करे, और अगर वो ऐसा करता है तो उस पर केस होगा, उसके खिलाफ केस जारी किया जाएगा, सज़ा भी मिलेगी, लेकिन आपके अधिकार हमेशा सुरक्षित हैं। सुरक्षित की बात आई तो गारंटी और जो सुरक्षा है वो संविधान करता है। मौलिक अधिकारों की गारंटी सुरक्षा संविधान करता है। आपके अधिकार कोई छीन ना ले, इसकी सुरक्षा पूरी संविधान इसलिए करता है क्योंकि अगर अधिकारों का हनन होगा तो व्यक्ति मचल लालूंग जैसे और पैदा होंगे जिनकी ज़िंदगी जेल में बर्बाद हो जाएगी। अगर कभी किसी मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना पड़ता है तो पहले संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ? देखिए आपके जो मौलिक अधिकार मेंशन है अगर इसमें कोई चेंजेस करना पड़े, हो सकता है कुछ चीज़ें को बाउंड करना पड़े, जैसे अभी हम सब लोग लॉकडाउन में अभी यहाँ पर रह रहे हैं, प्रेजेंट है, लॉकडाउन चला है, मेरे बालों को मत देखो क्योंकि सब लॉकडाउन का असर चल रहा है, बाहर जा नहीं सकते सैलून तक। तो लॉकडाउन के दौरान अभी हमारे घर से बाहर निकलने के अधिकार छिन गए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर संविधान में कुछ ना कुछ एक्ट जरूर पारित किए गए होंगे जिनके दौरान ऐसा काम किया गया है, क्योंकि संविधान में संशोधन करना जरूरी है जब भी हमारे मौलिक अधिकारों में थोड़ा सा भी परिवर्तन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने से पहले दोस्तों यहाँ पर औचित्यपूर्ण रूप से यानी कि एक अच्छे कारण के बाद में ही मौलिक अधिकारों को या तो कभी निरस्त किया जा सकता है या फिर कभी थोड़े समय तक के लिए जो है उनको रोका जा सकता है, लेकिन पूर्णता मौलिक अधिकार कभी भी नष्ट नहीं किए जा सकते। ये सबसे बड़ी बात होती है, यानी कि आपको जितने भी अधिकार मिले हुए हैं वो सारे बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षित हैं। आप देखो कौन कौन से अधिकार हैं यहाँ पर, क्षमता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक, संवैधानिक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। छोटा छोटा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस वीडियो में। क्षमता का मतलब समानता जो होती है, हम सबको समानता मिलती है, हम कैसे रह सकते हैं और किन लोगों के बराबर में जा सकते हैं, कहाँ नौकरी कर सकते हैं, किसके बराबर में नौकरी कर सकते हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, गोरे हैं, काले हैं, कुछ भी, हम सब समान। स्वतंत्रता, हम किन किन कामों के लिए स्वतंत्र हैं, वो सारी बातें स्वतंत्रता के अधिकार में आपको बताई गई हैं। आप अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी आ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, देश के अंदर आप अपनी मर्जी से खा सकते हो, अपनी मर्जी का पहन सकते हो, अपनी मर्जी की जॉब कर सकते हो, बस उसके लिए एबल हो, मर्जी का आप संगीत सुन सकते हो, मर्जी का आप धर्म चुन सकते हो, ये सारे काम आप कर सकते हो। अगर आपको कोई परेशान करता है, शोषण करता है आपका, शोषण में दो चीज़ें आती हैं क्या, पहला तो आपसे कोई मजदूरी करा ले, दूसरा आपसे जो है आपकी पढ़ाई रुकवा दे या फिर आपको ज़बरदस्ती आपके पैसे नहीं दे रहे हैं। पैसे का चाहे वो किसी भी तरीके का रूप हो सकता है, खास करके मजदूरों के लिए जिनके लिए बंधुआ मजदूरी होती है, आपने सुना होगा
मजदूर खरीद लाते हैं, फिर उनसे जबरदस्ती उनको बंधा करके मजदूरी करते रहते हैं। एक लिमिट से कम पैसे आपको नहीं दिए जाएंगे किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो मजदूरी हो या फिर कुछ भी हो, हर एक चीज की एक लिमिट तय है। एक मजदूर को शहर में 170 रुपए, गाँव में कुछ 100, 120 या 130 रुपए पहले के जमाने में तय था, लेकिन अभी तो आप जानते हो दिल्ली में अगर कोई मजदूर होता है वो ईंट ढोने का भी काम करता है 450 रुपए लेता है, शहर में आजकल ये है, और गांव में जो है 250 रुपए 300 रुपए चलता है। बाकी तो इससे कम कोई कर ही नहीं सकता, अगर कोई करता भी है तो वो मजदूर खुद के चांसेस पर डिपेंड करा लेता है। मतलब ऐसे मजदूर ने राजी हो गया, ठीक है भाई हमको 20 रुपए में काम दे दो हम कर देंगे, वो मजदूर की अपनी मर्जी है। लेकिन अगर मजदूर चाहे तो उस पर केस ठोक सकता है कि हमारे लिए जो पैसों की कमी, मतलब जो पैसों की लिमिट है वो कम करके दे रहा है। इसके अलावा हम कोई भी संस्कृति का कोई भी धर्म चुन सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अपनी जो अल्पसंख्यक संस्कृति है उसको बचा सकते हैं। अल्पसंख्यक का मतलब इससे पूरे देश में मान लो कि सारे नॉर्मल से धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जिनकी अपनी अपनी खुद की संस्कृति होती है, खुद की अलग भाषा होती है, वो सब लोग अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। ये सब कुछ मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, अभी जो भी बता रहा हूँ आप ध्यान से बस सुनते रहो। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अगर आपसे कोई भी, आपसे तो नहीं फिलहाल, जितने भी ये व्यक्ति लोग हैं जो सरकारी पद पर होते हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट के हिस्से में होते हैं, उन सबके लिए अधिकारों का उपचार यहाँ पर किया जाता है। धर्म स्वतंत्रता, अपने धर्म चुनना और अपने धर्म का प्रचार करना, ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं, मतलब आपको अधिकार दिए जाते हैं। तो इनके बारे में, हर एक अधिकार के बारे में मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा और आपको हर एक वीडियो आगे नंबर वाइज मिलती जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मैंने बताया था नोट्स के लिए, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, सबसे नीचे, ऊपर नहीं है, सबसे नीचे। आप सबसे नीचे जाओगे तब आपको नोट्स मिलेंगे देखने के लिए, लिंक है, सिंगल क्लिक करो, इंग्लिश और हिंदी दोनों नोट्स मिल जाएंगे। साथ में आपको किसी और भी चैप्टर के नोट्स चाहिए वो भी मिल जाएंगे, जो चैप्टर अब तक मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उतने नोट्स मैं आपको कंप्लीट देता जा रहा हूँ। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक और अपने नोट्स ले लो। चैप्टर पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही है और ज़्यादा डिटेल से समझना है, जैसी भी आपकी प्रतिक्रिया है मुझे दो, ताकि मैं उस पर काम करके आपको अपने हिसाब से, आपके हिसाब से रिजल्ट दे पाऊँ। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।